क्या आपको पता है कि कोका कोला का कलर ग्रीन हो सकता था? या फिर ये तो पता ही होगा कि जींस में छोटी सी पॉकेट क्यों दी रहती है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट पुष्कर और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कोका कोला ग्रीन कलर की होती है और उसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक हो जाता है। हाँ दोस्तों, उस सब्सटेंस का नाम है कोलोरेंट। अगर ये सब्सटेंस हमारे कोका कोला में नहीं मिला रहे तो हमारा कोका कोला ग्रीन कलर का हो। ग्रीन कलर का कोका कोला ये तो काफ़ी अजीब लगेगा। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों आपने कई टंग ट्विस्टर देखे होंगे, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी ये तो मैं से बोला तक नहीं जाता। वैसे ही आपको पता है कि दुनिया का सबसे कठिन टंग ट्विस्टर कौन सा है? दोस्तों जो आपके स्क्रीन पे ये टंग ट्विस्टर है, ये दुनिया का सबसे कठिन टंग ट्विस्टर है। इसको तो मैं भी बोल नहीं पाया। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। हाँ दोस्तों, सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत के पास कितने ओलंपिक मेडल्स हैं? दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो भारत के पास गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मिला के कुल 28 ओलंपिक मेडल है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों क्या आप जानते हैं आज तक के इतिहास में भारत में कभी भी ओलंपिक के खेम नहीं हुए हैं? हाँ दोस्तों, आज तक के इतिहास में भारत में कभी भी ओलंपिक के खेल नहीं हुए हैं और ना ही 2050 तक हो सकेंगे, क्योंकि 2050 तक सारे ओलंपिक गेम्स की कंट्री डिसाइड हो चुकी है। जापान भी है जिसपे दो दो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे थे, फिर भी वो इतना विकसित हो गया कि वहाँ पे ओलंपिक्स हो सके, पर हमारे देश में नहीं। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों हम सब जानते हैं कि शेर शिकार करते हैं, पर बहुत कम लोग जानते होंगे कि शेर शिकार नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, 90% शिकार शेर नहीं शेरनी करती है। अपने नेट जियो में शेर को शिकार करते हुए देखा होगा, पर वो उन 10% शेरों में आते हैं, क्योंकि 90% शिकार सिर्फ शेरनी करती है, शेर नहीं। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों क्रेडिट कार्ड किसे पसंद नहीं है? हर एक इंसान का सपना होता है क्रेडिट कार्ड, पर हमारे देश में जहाँ क्रेडिट कार्ड उतनी फेमस नहीं है, वहीं अमेरिका में एक इंसान के पास मिनिमम एवरेज 100 कार्ड होते हैं, कुछ के पास तो उससे भी ज़्यादा। पर हमारे देश में तो कुछ के पास तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं, और बहुतों को क्रेडिट कार्ड का मतलब भी नहीं पता। क्या आपको क्रेडिट कार्ड का मतलब पता है और आपके पास क्रेडिट कार्ड है? कमेंट में लिखना ना भूलें। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों पिरामिड्स के बारे में तो हम सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि वो इजिप्ट में है, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पिरामिड्स किधर है? और दोस्तों सबसे ज़्यादा पिरामिड्स सूडान में है। सूडान ही है दुनिया का देश जिसमें सबसे ज़्यादा पिरामिड्स मौजूद है। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों नारंगी यानी संतरे हम सब ने खाए हैं और हम सब जानते हैं कि उसका कलर ऑरेंज होता है, पर क्या आप जानते हैं जो सबसे पहले नारंगी बने थे, मेरा मतलब है उगाए गए थे, उनका कलर ऑरेंज नहीं होता था? और दोस्तों सबसे पहले उगाए गए संतरों का कलर हरा होता था, क्या आपको ये पता है? अगर हाँ तो आप कमेंट में लिखना ना भूल। फैक्ट नंबर टेन, दोस्तों क्या आप जानते हैं स्नो के कितने नेम्स हैं या स्नो को कितने नेमों से बुलाया जाता है? दोस्तों स्कॉटलैंड देश में स्नो को 421 शब्दों से पुकारा जाता है, यानी इस स्नो वर्ड के लिए वहाँ पे 421 अलग अलग शब्द हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसा एनिमल है जो बुलेट प्रूफ है, उसे गोली नहीं लग सकती? और दोस्तों आर्मेडिल्लो जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एक ऐसा एनिमल है जिसके शेल बुलेट प्रूफ होते हैं, वो खतरा देखते ही उन शेल के अंदर चला जाता है और इस शेल पे कोई वार नहीं कर सकता, ना ही बुलेट ना ही शेर। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों बिल्ली के पिछले पैर में सिर्फ 4 टो होते हैं, यानी बिल्ली के पीछे पिछले पैर में सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आपको पता है कि काऊ के पास अपर टीथ नहीं होता है, वो सिर्फ लोअर जॉ से खाने को चबा सकते हैं, फिर भी ये हमें दिखता नहीं है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों आप सबको लगता होगा कि सहारा डेजर्ट में
सिर्फ डिजर्ट ही है और कुछ नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि 1/4 ही सहारा डिजर्ट में डिजर्ट है, बाकी प्लेन लैंड है। और दोस्तों 1/4 ऑफ द सहारा डिजर्ट इज कवर्ड विथ सैंड। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि जींस में छोटा सा पॉकेट क्यों होता है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो पैसे या फिर चाबी रखने के लिए होता है, बट नहीं, जिस टाइम पे जींस बने थे उस समय लोग पॉकेट वॉचेस रखते थे, उन पॉकेट वॉचेस को रखने के लिए वो पॉकेट बने हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने राय देना चाहते हैं तो आप वो कमेंट में दे सकते हैं।